तो दोस्तों हमारे सामने एक और गाड़ी आ चुकी है, 2009 का मॉडल है, 10 की रजिस्ट्रेशन है, मेहरान गाड़ी आ चुकी है। मेहरान की और कल्टस की गाड़ी की काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी मेरे पास, तो आप जिन भाई को मेहरान चाहिए थी आप गाड़ी देख सकते हैं। तो गाड़ी हमारे सामने, अभी मैं आपको गाड़ी की कंडीशन वगैरह दिखा देता हूँ, आप गाड़ी का फर्स्ट लुक वगैरह देख सकते हो। अब मैं आपको गाड़ी का साइड लुक वगैरह भी दिखा देता हूँ। साइड लुक से हमें गाड़ी की कंडीशन कुछ इस तरह से दिखने को मिल जाती है, और टायरों की बात करें तो टायर से हमें गाड़ी ओके दिखने को मिल जाती है। अभी मैं आपको गाड़ी के अंदर से कंडीशन वगैरह दिखा देता हूँ, भाई ने कैसे मेंटेन वगैरह करी हुई है। तो आगे के हम गेटों की बात करें तो गेट्स से काफ़ी ओके गाड़ी देखने को मिल जाती है, काफ़ी अच्छे गेट लग रहे हैं। तो शायद भाई ने मॉडिफाई वगैरह कराई हुई है, भाई ने बताया मॉडिफाई वगैरह कराई ही हुई है। तो आप गाड़ी के ये गेट्स वगैरह तो दिखा चुका हूँ मैं, आप गाड़ी की सीट्स वगैरह देख सकते हैं। सीट्स हमें गाड़ी की कंडीशन कुछ इस तरह से देखने को मिल जाती है, और सीट आप देख सकते हैं गाड़ी की कुछ इस तरह से हमें दिखने को मिल जाती है। और इंटीरियर और डैशबोर्ड की बात करें, इंटीरियर और डैशबोर्ड से हमें गाड़ी कुछ इस तरह से दिखने को मिल जाती है। आप गाड़ी का इंटीरियर वगैरह भी देख सकते हो, डैशबोर्ड भी देख सकते हो, LCD वगैरह सब लगाई हुई देख लें, गाने वगैरह चल रहे हैं। तो अभी मैं आपको गाड़ी का बैक लुक वगैरह दिखा देता हूँ, बैक सीट्स वगैरह दिखा देता हूँ, भाई ने कैसे मेंटेन वगैरह करी हुई है। तो बैक गेट की बात करें तो बैक गेट से हमें गाड़ी की कंडीशन कुछ इस तरह से दिखने को मिल जाती है, काफ़ी साफ सुथरे गेट्स हैं, काफ़ी साफ सुथरी गाड़ी भाई ने बनाई हुई है। और अगर मैं आपको गाड़ी की ये पीछे की सीट्स वगैरह दिखाऊँ तो सीट से भी गाड़ी ओके दिखने को मिल जाती है हमें। अभी मैं आपको गाड़ी की डिग्गी वगैरह भी दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह से हमें गाड़ी दिखने को मिल जाती है। और डिग्गी की बात करें तो डिग्गी से हमें गाड़ी की कंडीशन कुछ इस तरह से दिखने को मिल जाती है, स्पीकर वगैरह सब लगे हुए हैं, आप गाड़ी की फुल कंडीशन वगैरह देख सकते हैं। तो अभी मैं आपको गाड़ी का इंजन वगैरह दिखा देता हूँ, उसके बाद जिन भाई की गाड़ी हुई भाई से कॉन्टेक्ट करवा देता हूँ। अभी मैं आपको गाड़ी का इंजन वगैरह दिखा देता हूँ, इंजन रूम से हमें गाड़ी की कंडीशन कुछ इस तरह से दिखने को मिल जाती है। अभी मैं आपको करीब से भी दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह से हमें गाड़ी का इंजन रूम दिखने को मिल जाता है। तो अभी जिन भाई की गाड़ी है भाई से कॉन्टेक्ट करवा देता हूँ, और उनसे पूछेंगे कि गाड़ी कौन सी, वो डिमांड क्या कर रहे हैं। तो जिन भाई की गाड़ी है भाई हमारे साथ है, भाई से कॉन्टेक्ट करते हैं और भाई से पूछते हैं कि गाड़ी कौन सी, वो डिमांड क्या कर रहे हैं। भाई जान भाई जान गाड़ी के बारे में तफसीलात वगैरह बता दें थोड़ी। बस ये 9-10 मॉडल गाड़ी है, मेहरान VX, और सेकेंड ओनर गाड़ी है, ओरिजिनल प्लेटें वगैरह डॉक्यूमेंट्स है, सब चीज़ कम्प्लीट है, टैक्स उसका पेड है। और गाड़ी के ऊपर तकरीबन ये है कि मैंने 2 लाख रुपये लगाए, उसके अंदर ये है कि इसमें सिस्टम वगैरह डाला हुआ हैवी, और टायर नए डले हुए हैं, रिम डले हुए हैं, नई बैटरी डली है, रेगुलेटर है, क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट, सारी मतलब इसके अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं ज़रूरत की मैंने सब डलाई हुई हैं। तो 2-2.5 लाख रुपये मैंने वैसे लगाए थे डिमांड से ऊपर, तो मैं इसकी अभी डिमांड जो है वो 6.25 कर रहा हूँ। जी ठीक हो गया। अपना नंबर और नाम बता दीजिएगा। बजाज मेरा नाम है, फेडरल बीरिया की गाड़ी है, और मेरा नंबर है 0300-2783-921। और ओनर कितने इसके? सेकेंड ओनर गाड़ी है, क्लियर गाड़ी है। 1 लीटर में कितना चल रही है? तकरीबन ये 14 दे रही है मुझे। 14 दे रही है जी, सिटी के अंदर, सिटी के अंदर जी जी, हाईवे पे ज्यादा। और गाड़ी इतनी तैयार है कि आप इसको आंख बंद करके पाकिस्तान टूर पे भी ले जाएं। अच्छा जी, ठीक हो गया। मैं खुद घूम कर आया हूँ उसमें पाकिस्तान टूर एक दफा। अच्छा, पूरे मतलब पाकिस्तान टूर पूरा आखिरी तक चाइना बॉर्डर तक गया हूँ। अच्छा जी, ठीक हो गया। भाई ने गाड़ी के बारे में काफ़ी तफसीलात वगैरह बता दी है, और मेहरान को काफ़ी भाई ने मॉडिफाई वगैरह करा हुआ है। मैंने आपको गाड़ी की कंडीशन वगैरह दिखा दी, LCD वगैरह सब ओके, साउंड सिस्टम वगैरह सब ओके लगाया हुआ है भाई ने, डिमांड भी बता दी है। अगर आपको गाड़ी समझ में आती है, अगर आपको गाड़ी पसंद आती है तो भाई से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। शुक्रिया।